तो ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड है, बट ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, जबकि इनका एक सिरा यहाँ से कनेक्ट होना चाहिए और इसका एक सिरा यहाँ से कनेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर ये सर्किट बन पाएगा। हमने बनाने के लिए क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ये वीडियो में जरूर जाना, क्योंकि इस वीडियो से आपको जानकारी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और अगर आप इससे एक भी रिंगर आपने बना लिया, अपना कोई सेट बना लिया, दोस्तों इस टेलीकॉम को ज्वाइन करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेट आप बना सकते हैं। आप कितना ज्ञान ले सकते हैं आप सोच नहीं सकते हैं, और ये लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चूक रहे हैं तो दोस्तों आपके दिन के सोचो कितने हैंडसेट है जो आप बना नहीं पा रहे, जो आप बहुत चुटकी में बना सकते हैं। तो होपली वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है शेयर करो, और अगर ऐसा काम करना है तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो और ज़िंदगी भर के बैकअप के लिए, और वो हम आपको देंगे, एक इतना जोश भरेंगे आपके में कि आप मोबाइल रिपेयरिंग से कहीं ज़्यादा आगे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। एक्साइटेड है मुझे बताओ, यहाँ पर बिल्कुल एनर्जी के साथ यहाँ पर आने के लिए। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी। सो हाय माय YouTube फैमिली, कैसे आप सभी लोग। मेरे साथ में है एक Redmi का। सो बेसिकली दोस्तों इसमें है ना रिंगर नहीं बज रहा है, सो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो इसको बनाते हैं अपन। सो यहाँ पर आप देखिए इस फोन में नीचे आप देख सकते हैं कि पूरे स्क्रू लगे हुए हैं और पूरा रिंगर लगा हुआ है, और मसला इधर नहीं है, मसला है इधर बोर्ड में। सो हम इसको बोर्ड में बनाएंगे। बेसिकली क्या है तो मैं तो इसको खुलने नहीं वाला। यहाँ पर अगर मैं साउंड की बात करूँ, साउंड ये देखिए, ये जो साउंड आ गया है, अब इसमें आप देख सकते हैं कोई भी, मैं वॉल्यूम भी दिखा देता हूँ, ये देखिए वॉल्यूम पूरा अप है, ये देखिए नोटिस करें। सो कोई भी यहाँ पे जो म्यूजिक है वो बज नहीं रहा है। मैं इसको वाईफाई लेके भी आपको दिखा देता हूँ कि यूट्यूब पे इस पर बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो हम इसका रिंगर बनाएंगे, और रिंगर बनाने के लिए क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ये इस वीडियो में जरूर जाना, क्योंकि इस वीडियो से आपको जानकारी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और अगर आप इससे एक भी रिंगर आपने बना लिया, अपना कोई सेट बना लिया, तो दोस्तों इस टेलीकॉम को ज्वाइन करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेट आप बना सकते हैं। आप कितना ज्ञान ले सकते हैं आप सोच नहीं सकते हैं, और ये लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चूक रहे हैं तो दोस्तों आपके दिन के सोचो कितने हैंडसेट है जो आप बना नहीं पा रहे, जो आप बहुत चुटकी में बना सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर मैं एक वीडियो ले लेता हूँ, जैसे नॉर्मल मोदी जी का वीडियो, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम फुल है, ये देखिए, और यहाँ पे कोई आवाज़ और कोई साउंड नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो शुरुआती टेस्टिंग है वो सारी चीज़ मैं बता दूंगा, बट मैं इसमें डायरेक्ट रिंगर आईसी पे जाऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, हमें रिंगर आईसी का आउटपुट चेक करना है। जो रिंगर आईसी के जो कॉइल होते हैं हम उस पर चेक करेंगे कि इसके कॉइल पर कोई भी रीडिंग, कोई भी GR या कोई जो वोल्टेज है आ रहा है नहीं आ रहा है। तीन चीज़ें आनी चाहिए, एक GR, एक वोल्टेज और एक फ्रिक्वेंसी, तो हम तीनों चीज़ चेक करेंगे। ठीक है, इसको एक वीडियो प्ले किया हुआ है यहाँ पर, इस ऐड को स्किप कर देते हैं, नहीं तो ऐड पॉज में चला जाएगा, तो हमको जो फ्रिक्वेंसी है या जो वोल्टेज है वो शायद ना मिले। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो चल रहा है, और आप वॉल्यूम देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम फुल है। तो अब हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपका रिंगर आईसी है, ये आपका रिंगर बक कॉइल है, और ये आपके दो आउटपुट है। सो हम यहाँ पर देखेंगे कोई हमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबसे पहले, और हमें वोल्टेज से सो आप इस मल्टीमीटर में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मेरा रिंगर चालू है और मैं एक बार वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे ना 4 वोल्टेज मिलना चाहिए, मतलब जो भी बैटरी का वोल्टेज है, ये देखो ये वोल्टेज मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करूंगा। देखो यहाँ मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, मतलब रिंगर के आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं है। ठीक है, अब कोई वोल्टेज नहीं है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर
हम फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज भी तभी आएंगे जब रिंगर एक्टिवेट होगा। ठीक है, अभी बैटरी चार्जिंग बहुत कम है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए ये वीडियो प्ले हो रहा है यहाँ पर। अब वोल्टेज जो है मैं फिर से चेक कर लेता हूँ एक बार। फिर से नोटिस कीजिए यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 4 आने चाहिए, और यहाँ पे देखिए कोई वोल्टेज नहीं है, और यहाँ पर एक 1.7 वोल्टेज भी हमें आ रहा है। सो दोस्तों अब हम एक बार फ्रिक्वेंसी मीटर से देखेंगे, और आप देखिए वीडियो मेरा चल रहा है, और एक बार फ्रिक्वेंसी मीटर से देखेंगे। सो इस मीटर की ये 2 प्रोब है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये इस मीटर की 2 प्रोब है, और इस मीटर पर ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दिखाई देनी चाहिए, जो एक पल्स है। तो देखिएगा यहाँ पर, पहले मैं इस आईसी की स्विचिंग के दिखाता हूँ। ये तो 4 वोल्टेज का है, देखो आईसी स्विचिंग भी नहीं कर रही है और वोल्टेज भी यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, मतलब वोल्टेज प्लस पल्स। तो हमारा जो पहला मैटर है, तो दोस्तों जो हमने पहला मैटर निकाला है, वो जो हमारा पहला जो सोल्यूशन है वो यही है कि हम यहाँ पर रिंगर आईसी पर काम करेंगे और रिंगर आईसी को चेंज करेंगे, और उसके बाद में फिर हम इसके फिर चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट निकलता है, उसके बाद में देखा जाएगा। सो सबसे पहले आइए उसको रिंगर आईसी को चेंज करते हैं। तो दोस्तों आपने जैसे ये देख रहे होंगे कि यहाँ हमने अपनी रिंगर आईसी निकाल के रखी हुई है, ठीक है, मैं आपको इसको थोड़ा सा पास से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप नोटिस कीजिए यहाँ पर हमने रिंगर आईसी निकाल के रखी है। अब अगर हम रिंगर आईसी वापस लगा देते हैं तो ये फिर से काम नहीं करेगी, यही वाली बात हो जाएगी कि आईसी निकालो बदलो, आईसी निकालो बदलो, आईसी निकालो। जब तक सर्किट का नॉलेज नहीं होगा तब तक हमें ये काम नहीं करेगी। सो अभी हमको इसके अंदर के सारे जीआर और सब कुछ चेक करने पड़ेंगे। आप यहाँ पर मल्टीमीटर में जीआर और सब कुछ चेक करें। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे बेसिकली हर तरह का जीआर की जीआर इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये है नोज कट पॉइंट ABC। सो ये ABC, तो यहाँ से सबसे पहले हालांकि अगर मैं चेक करूँ तो ये जो बक कॉइल है ये इसके साथ स्विचिंग के साथ जुड़ा होता है, मतलब एलेक्स के पॉइंट होते हैं। तो और ये इसके बी बैट के सिरा होता है जो कि यहाँ से कनेक्टेड है। अब देखिए जो कि बी बैट यहाँ से कनेक्टेड है, पर ये एलेक्स यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। ये देखिए ये इसके साथ है बट यहाँ के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो 4 पॉइंट है ये स्विचिंग के पॉइंट है, और अगर मैं इन पॉइंट को आपस में देखूं तो ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड है बट ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, जबकि इनका एक सिरा यहाँ से कनेक्ट होना चाहिए और इसका एक सिरा यहाँ से कनेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर ये सर्किट बन पाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ दिखाते हैं, ये देखिए एक माइक्रो जम्पर मारा है, ये हमारा एलेक्स पॉइंट है,
और एलेक्स के हमने एक एलेक्स के साथ एक माइक्रो जम्पर लिया है, ये एक रिंगर आईसी है। देख सकते हैं यहाँ पे मैं सेटिंग पे गया और सेटिंग पे मैंने साउंड खोला तो देखिए हमारा जो रिंगर है वो पूरा वर्क कर रहा है। और मैं आपको आईसी भी दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप आईसी भी देख लीजिए, ये वही है जहाँ पे हमने एक माइक्रो जम्पर किया हुआ है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये माइक्रो जम्पर यहाँ पे किया हुआ है, ये देखिए। और यही चीज यहाँ पर आप देखने को मिलेगा, फिर से मैं सुना देता हूँ, ठीक है। सो होपली वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है शेयर करो। और अगर ऐसा काम करना है तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो और ज़िंदगी भर के बैकअप के लिए, और वो हम आपको देंगे एक इतना जोश भरेंगे आपके में कि आप मोबाइल रिपेयरिंग से कहीं ज़्यादा आगे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?